इतने डायमेंशन यही चल रहा था ना। पहली बात ऑपरेट क्लियर, वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट आएगा, इसका ऑब्जेक्ट है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। क्लियर, तीसरा पॉइंट है इसको रोल ऑफ सोशल चेंज एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और एक क्या था, हाँ एक है फेमिनिज्म, क्या है पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर, कल्याणकारी राज्य। ठीक, अब एक सिचुएशन समझिएगा, एक एक पॉइंट उठा रहे हैं, एक एक पॉइंट में ही सब कुछ ऐड होता चला जाएगा, आपका इंटरलिंक हो जाएगा। अब अगर हम डीपीएसपी का मतलब समझे, तो डीपीएसपी का मतलब होगा ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसी ऑफ स्टेट, यानी राज्य के लिए नीतियों और सिद्धांतों का समूह। ठीक, यानी मीन्स एक आदर्श है, तो अगर राज्य के लिए नीतियों और आदर्शों को लेकर अगर हम इन सिद्धांतों को स्थापित करते हैं, राज्य के लिए नीतियों और सिद्धांतों को स्थापित कर, तो डीपीएसपी दैट इज द ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज ऑफ स्टेट। क्लियर, उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल की पोजीशन करें, तो जितनी भी आर्टिकल 36 टू 51 के बीच में जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं 36 टू लेकर 51 तक, उन सभी प्रिंसिपल उन सभी पॉलिसीज का ऑब्जेक्ट एक ही है, कि इन सभी प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। क्लियर, पार्ट फोर के लिए, पार्ट फोर का कंसेप्ट अगर लेके चलते हैं, पार्ट फोर जो डीपीएसपी है, उस डीपीएसपी के कंसेप्ट को अगर हम लेके चल रहे हैं, तो डीपीएसपी के लिए ये जो स्टेट पॉलिसीज है, यहां पर स्टेट, ये स्टेट है आर्टिकल 36। क्लियर, एंड डिफिनीशन ऑफ आर्टिकल 6, डिफिनीशन ऑफ स्टेट इज आर्टिकल 36 अकॉर्डिंग, डिफिनीशन ऑफ जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग, स्टेट इज इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, थर्ड लोकल ऑफिसर एंड अदर ऑफिस, ये स्टेट का है। क्लियर, अब अगर स्टेट पॉलिसीज है, तो क्या पार्ट फोर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के लिए है, क्या पार्ट फोर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, ऐसा तो नहीं,
क्योंकि जिस स्टेट पॉलिसीज की बात डीपीएसपी कर रहा है, जिस स्टेट पॉलिसीज का सपोर्ट डीपीएसपी कर रहा है, उस डीपीएसपी के अकॉर्डिंग स्टेट की जो पॉलिसी है, स्टेट की जो स्थिति है, उसको लेकर डीपीएसपी की पोजीशन क्या है स्टेट, और स्टेट के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों अगर हैं, तो इस स्थिति में ये ऑब्जेक्ट या यह प्रिंसिपल केवल स्टेट के लिए नहीं है और केवल सेंटर के लिए नहीं है, यानी यूनिट के लिए नहीं है और केवल स्टेट के लिए भी नहीं है, बल्कि दोनों के लिए है। ऐसी स्थिति में दोनों सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्लियर। अब जब दोनों सरकारों के बीच, तो यहां पर अगर हम इस कंडीशन पर अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ऑब्जेक्ट लेकर चले, मीन्स सहकारी संघ, तो इस कंसेप्ट का मतलब समझिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा की यात्रा पर गए थे, ठीक, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मिलते समय इन्होंने एक विचार दिया था कि भारत का विकास या भारत अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकेगा जब राज्यों का विकास होगा। अब ऐसी स्थिति में यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट ले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट अगर यहां पर आ रहा है, तो ये है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, ठीक, क्लियर। अब और इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत का संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। अब ये अगर डायमेंशन है ये, तो ये आपका आर्टिकल 12 भी है एंड आर्टिकल 36 भी है कि नहीं। आप स्टेट की अगर डिफिनेशन देखेंगे, स्टेट की डिफिनेशन की अगर पोजीशन अगर देखेंगे, स्टेट की पोजीशन क्या थी कि जो 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया था, उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए है, यूनियन गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। दूसरी पोजीशन जो है ये क्या है, ये है आपका, यही है आपका डीपीएसपी, यही क्या है डीपीएसपी है, क्योंकि डीपीएस का जो उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, ठीक। अब अगर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, तो यहां पर अगर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की पोजीशन को ले लो, तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी आर सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी एंड लिबर्टी, क्लियर, यानी इक्वलिटी एंड लिबर्टी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी,
एंड देन डेमोक्रेसी इज द लाइफ स्टाइल। एनिमीज कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक ऐसी स्थिति है जो सामाजिक व्यवस्था को भी बनाती है, जो राजनीतिक व्यवस्था को भी बनाती है, जो लोक आर्थिक व्यवस्था को भी बनाती है। आर्थिक व्यवस्था का डेमोक्रेटिक इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एनिमीज कि आर्थिक व्यवस्था का लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आर्थिककरण होगा, जो एक उस स्थिति होगी, तो उस स्थिति का एक मतलब निकलता है या एक स्थिति निकलती है वह एक ही चीज है कि संसाधनों को सभी लोगों या संसाधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार हो। एनिमीज इक्वल राइट ऑफ द रिसोर्सेज, इक्वल राइट ऑफ द रिसोर्सेज। तो और दूसरी बात कि इक्वल राइट ऑफ रिसोर्सेज, अगर सभी लोगों पर समानता की स्थिति होगी, अगर सभी लोगों पर समानता की सिचुएशन होगी, तो उस स्थिति में सभी लोग इसका प्रयोग कर सकेंगे। क्लियर? तो इन स्थितियों के आधार पर या इन स्थितियों के लेकर अगर हम देखते हैं तो एक चीज लगती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई एक रूप नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था का रूप नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक राजनीतिक व्यवस्था से बहुत आगे की चीज है, एक बहुत व्यापक अवधारणा। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज ए लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति भी है, सामाजिक व्यवस्था। यानी हर जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपने ढंग से इस प्रकार स्थापित किया जाता है या इस तरह से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप को सुचारू रूप से संचालित कर सके। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से लोग इसका यूज करते हैं, लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी, तो ये आपका न्यू इंडियन सोसाइटी है। जैसे जस्ट लाइक बीपीएसपी एज ए रोल ऑफ सोशल चेंज, बीपीएसपी एज ए रोल ऑफ सोशल चेंज। अब अगर यहां पर है तो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, और ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का मतलब कि सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? मीन्स कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं, ये आपका भारत का वह समाज है जो समाज वह समाज की स्थिति थी जिस समाज में सामाजिक आर्थिक विषमताएं पाई जाती थी। इसलिए जब भारतीय संविधान को लागू किया जा रहा था, भारतीय संविधान को तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर यह विचार देते हैं कि इस संविधान को लागू करके, इस कमेंट को लिखो, भारतीय संविधान को लागू करते समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर
विचार देते हैं कि इस संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं, इस संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक व्यक्ति एक वोट, वन मैन एंड वन वोट, जिस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्लियर? ये अंबेडकर का कमेंट है और यह कमेंट डॉक्टर अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते समय यह थॉट दिया था। क्लियर? अब अगर इस कमेंट को देखें, इस कमेंट को, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह कॉन्स्टिट्यूशन इस पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल कर रहा था, इस पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल कर रहा है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग या उस पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर एक सबसे बड़ी विडंबना या एक सबसे बड़ी स्थिति है कि वह एक ऐसे समाज में लागू कर रहा है जहां पर सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है। और सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन होने का मतलब कि लंबे समय तक भारत के ऊपर विदेशियों का वर्चस्व था, और लंबे समय तक अगर भारत में विदेशियों का वर्चस्व था, भारत लंबे समय तक उपनिवेश था, कॉलोनीज थी, तो इस कॉलोनीज के कारण भारत का लंबे समय तक एक इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन किया गया, ठीक, एंड सोशल सिस्टम क्या था कि सोशल सिस्टम किनशिप बेस्ड था, रक्त संबंधों पर था, और रक्त संबंधों के आधार पर लोगों की सामाजिक जो स्थिति थी वह अलग अलग थी। क्लियर? तो अब इस स्थिति में या इस सिचुएशन में जो समाज है वह समाज, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, ठीक, इस पॉलिटिकल सिस्टम, जिस पॉलिटिकल सिस्टम, और पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, और फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब कि पावर डिवीजन सेंटर एंड ईस्ट एंड ड्यूल गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ड्यूल गवर्नमेंट फॉर्मेशन। क्लियर? अब सेंटर एंड स्टेट ये क्या हो गया, यही आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 12 है, नहीं समझ, यही आर्टिकल 36 है और आर्टिकल 12 है, क्योंकि आर्टिकल 36 में जिस स्टेट का डिफिनेशन दिया गया, जिस स्टेट को डिफाइन किया गया, उस स्टेट में सेंटर है और उस स्टेट में स्टेट भी है। अब अगर ये दोनों दोनों स्टेट हैं, यानी सेंटर और स्टेट को मिलाकर ही भारत बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉर्पोरेट फेडरल स्टेट का कंसेप्ट है और उधर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्लियर? अब इस पोजीशन में या इस सिचुएशन में
जो पोजीशन को स्टेबल किया जा रहा है, जिस पोजीशन को हम स्थापित कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुरूप यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, यही था। सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है, तो जब सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, एनिमीज सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी, क्लियर? सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी को अगर हम इसको ले लें, इसको इस्टेब्लिश कर लें, तो ये हो गया आपका न्यू इंडियन सोसाइटी। ये पोजीशन है। तो इस पोजीशन में अगर सामाजिक आर्थिक समानता समानता है, तो क्या उस समानता उस समाज में यूनिटी होगी? क्या उस समाज में इंटीग्रेशन होगा? क्या उस समाज में फ्रेटर्निटी होगी? ठीक। अब दूसरा जो डायमेंशन आपको समझना है, जिससे कि आप और अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गुड। कॉन्स्टिट्यूशन है मैन मेड डॉक्यूमेंट, ठीक, मानव निर्मित द्वारा एक दस्तावेज। तो मनुष्य जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट करेगा, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य तो यही होगा कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के कारण जो दस्तावेज बनाया जा रहा है, जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के कारण दस्तावेज को स्थापित किया गया, उस दस्तावेज का एक ही पर्पज होगा कि मनुष्य इस दस्तावेज के माध्यम से, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहेगा जिससे कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कब होगा? जब इस पॉलिटिकल सिस्टम का स्टेट वेलफेयर होगा, तभी तो लोगों को कल्याण करेगा, तभी तो लोगों को सहायता देगा। तभी तो राज्य लोगों की क्या करेगा? सहायता करेगा। और तभी राज्य जब लोगों की सहायता करेगा, तभी लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा। इसलिए ये वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या वेलफेयर स्टेट की जो पोजीशन है, उसको स्थापित करते हुए या उसको इस्टेब्लिश करते हुए एक चीज ये भी कही जा सकती है, या यह भी देखा जा सकता है कि इन स्थितियों के आधार पर या इन स्थितियों को लेकर अगर हम पूरी सिचुएशन में या पूरी स्थिति में अगर हम देखते हैं, ठीक, तो पूरी स्थिति में देखने के बाद राज्य का वेलफेयर बनाए रखने का दायित्व तो भी यही था कि भारत का जो परंपरागत समाज है, उस परंपरागत समाज में परिवर्तन आ जाए, उस परंपरागत समाज के स्थान पर एक नवीन भारतीय समाज की स्थापना हो सके। तो नवीन भारतीय समाज की स्थापना तभी होगी, सामाजिक समानता होगी, सामाजिक स्वतंत्रता होगी, आर्थिक समानता होगी, आर्थिक स्वतंत्रता होगी, जब
तभी जाकर एक नवीन भारतीय समाज की क्या हो सकती है, स्थापना हो सकती है। अब ऐसी स्थिति पर अगर राज्य, सुनिएगा, अगर राज्य इस नवीन भारतीय समाज, न्यू इंडियन सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया तो स्थिति क्या होगी, समाज में परिवर्तन आ गया, समाज में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। अब समाज में परिवर्तन आ गया तो संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और डीपीएस की भूमिका क्या हो गई, सोशल चेंज के रूप में, सामाजिक परिवर्तन के रूप में आ गई। ठीक, अब बताइए कि संविधान को लागू हुए लगभग 74 इयर्स हो चुके हैं, क्या भारतीय संविधान पूर्णतः सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सफल हो गया, क्या सामाजिक आर्थिक रूप से क्या भारतीय संविधान को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया, और अगर भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था को अगर पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या राजनीतिक व्यवस्था समाज में परिवर्तन ला दी है, समाज में परिवर्तन की स्थिति ला दिया है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और अगर भारतीय संविधान समाज में परिवर्तन नहीं लाए तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्योर है या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेल्योर, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किए हैं, वह कॉन्स्टिट्यूशन या वह स्थिति अपने आप में क्या राजनीतिक व्यवस्था को पूर्णतः एस्टेब्लिश कर दिया। देखिए, अगर कहा जाए, अगर एनालाइज किया जाए कि 74 इयर्स के पश्चात क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट या अपने पॉलिटिकल पर्पज को अचीव कर पाया है, तो इसका जवाब है ठीक, क्योंकि पूर्ण रूप से भारतीय समाज लोकतांत्रिक नहीं बन पाया है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को लेकर। अब दूसरा डायमेंशन खड़ा होता है कि अगर भारतीय संविधान समाज को पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं बना पाया, पूर्णतः लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाई, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक स्थिति है, वह पूर्णतः तो फेल हो गई। लेकिन नहीं, पूर्णतः फेल इसलिए नहीं है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो स्थिति है भारत की थी, वह स्थिति क्या थी, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि कमजोर राज्य, आर्थिक दृष्टि पिछड़ा हुआ राज्य था और सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ था। संविधान के लागू करने के पश्चात भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वह राजनीतिक व्यवस्था एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम इज ए न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। अब उस पॉलिटिकल सिस्टम के सामने सोर्सेज नहीं है, चाहे वह इकोनॉमिकल हो, चाहे वह सोशल हो, फिर भी
अपने मिनिमम रिसोर्सेज के माध्यम से, अपने मिनिमम रिसोर्सेज के द्वारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन हंड्रेड परसेंट नहीं, अगर 50% भी अगर अपने ऑब्जेक्ट को अचीव किया है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी सफलता है। एक चीज बताइए, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास सोर्सेज बहुत मिनिमम है, मिनिमम रिसोर्सेज है, क्लियर। अब इस मिनिमम रिसोर्सेज के माध्यम से आप आईएएस नहीं बन गए, पीसीएस बन गए, तो आप एब्सोल्यूट फेल्योर हो? नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि आपका गोल है आईएएस बनना, यूपीएससी को क्लियर करना, लेकिन आपके पास न इतने अधिक रिसोर्सेज नहीं है, ना तो कोचिंग करने के पास पैसे हैं, ना तो किसी अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं, ना ही मिनिमम आपके पास अच्छी अच्छी किताबें हैं, फिर भी आपके पास जो मिनिमम या जो एकदम मिनिमम रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज के माध्यम से यदि अगर किसी पोस्ट को आप अचीव करते हैं, पीसीएस या एसएससी किसी भी चीज, तो आपकी लाइफ 100% फ्लोर है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो स्थिति है, यही चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी लागू होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100% फेल्योर नहीं था, 100% फेल्योर नहीं है। और जब 100% फेल्योर नहीं है, तो इस स्थिति में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम 100% फेल्योर क्यों? भाई उस क्राइसिस को बात करिए, जब आदमी क्राइसिस में होते हुए भी अपने गोल का कुछ परसेंटेज अचीव कर लेता है, तो सक्सेस नहीं है लाइफ। तब कहा जाता है कि देयर इज नो 100% सक्सेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। बट अब दूसरी बात, अगर सक्सेस नहीं होता, दूसरा डायमेंशन अगर हम लेके चलते हैं, अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस नहीं होता, द इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की स्थिति को अगर देख लें, तो 74 इयर्स के डेमोक्रेटिक शासन में इंडिया के समक्ष कई चैलेंजेज आए, बहुत से चैलेंजेज आए, और उस चैलेंजेज का अगर एनालिसिस किया जाए, तो उस चैलेंजेज का मुकाबला भारतीय संविधान बहुत अच्छे ढंग से कर ले गई। है कि नहीं? तो अगर भारतीय संविधान बहुत अच्छे ढंग से कर ले गई, या भारतीय संविधान बहुत अच्छे ढंग से इसको एनालाइज कर ले गई, तो भारतीय संविधान पूर्णतः असफल कहां हुई? हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि अगर पूर्णतः सफल भी नहीं है, तो पूर्णतः यानी देयर इज नो 100% सक्सेस एंड देयर इज नो 100% फेल्योर। ठीक। और रही बात सामाजिक स्थिति की, तो 1950 में
भारतीय समाज के लोगों के बीच जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता था, क्या वह डिस्क्रिमिनेशन आज है? जो सामाजिक आर्थिक विषमता पाई जाती थी, क्या वह स्थिति आज है? नहीं है। तो जब वह सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं है, वह सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं है, तो उस स्थिति में हम सामाजिक आर्थिक स्थिति का बदलाव या सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन कैसे ला सकते? इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत का संविधान, ये जो सिचुएशन है, संविधान भी कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट एंड पीपीएसपी, इन सब का अगर रोल देखा जाए, रोल ऑफ सोशल चेंज। ठीक, अब एक नया कंसेप्ट निकल गया कि पार्लियामेंट कैसे आ गया सोशल चेंज में, ये भी तो आ गया ना। है कि नहीं? इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसको आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की भूमिका एज ए सोशल चेंज के रूप में है। पार्लियामेंट की भूमिका भी एज ए सोशल चेंज के रूप में। ठीक, अब अगर